लेकर आई हूँ बेलापुर के सेक्टर 15 में। यहाँ पे ऑपोजिट में जेटी है, यानी कि बोटिंग होती है। बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पे आउटडोर सीटिंग का। और ये न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है विच इज कॉल्ड द चाप हाउस। द चाप, जैसे कि हम सबको पता है, इट इज अ वेजिटेरियन ऑप्शन टू मीट एंड ऑल्सो इट इज टर्म्ड एज वीगन। आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बताइएगा वीगन है कि नहीं। एंड चाप के अलावा और भी बहुत सारी डिशेज हैं यहाँ पे, इंडियन है, स्टार्टर्स है, मेन कोर्स है, चाइनीज़ है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर मिलती है। और क्योंकि इनकी स्पेशलिटी चाप है, तो चाप में क्या वैरायटी है इनके पास, आइए। हमने ये कुलचा और ये दाल मखनी ऑर्डर की थी और दोनों भी बहुत अच्छे थे, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। द चाप हाउस, क्योंकि स्पेशलिटी ही चाप है, इसके लिए मैं आपको कुछ अलग अलग तरह की चाप से यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिस इज रेशमी सोया चाप, साथ में ये अनियंस दिए हुए हैं इन्होंने, और ये ग्रीन चटनी है। कलर काफी अलग दिखाई दे रहा है, पूरा लुक की चटनी का अलग है। तो चलिए ट्राई करते हैं। वाओ, इतना बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना इसके अंदर। और ये जो चाप के ना साइज हैं, ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। एकदम क्रीमी चाप है, जैसा उसका नाम है ना रेशमी, वैसे ही एक रेशमी क्रीमी स्मूथ टाइप की चाप लग रही है, जिसका टेक्सचर है। द टेस्ट इज ऑल्सो गुड। और जो इसमें मसाले यूज किए ना, उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू तो आ रही है, मगर उसका जो टेस्ट है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो इनकी चटनी है ना, ये भी डिफरेंट है, हल्का सा इसमें ना खट्टापन है दही का, सो दही यूज किया हुआ है चटनी में। वैसे तो ग्रीन चटनी है, पर थोड़ा सा ज्यादा दही यूज करने की वजह से ना इसका टेस्ट एकदम अलग आ रहा है, और ये बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है रेशमी सोया चाप को। हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया। रिसेंटली बेलापुर में अपना एक रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम है द चाप हाउस। ये एक नॉर्थ इंडियन का पॉपुलर क्यूजीन है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और हमारे कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो रेगुलर नहीं है, जैसे कि हमारे पास लेमन सोया चाप है, पुदीना सोया चाप है, पेरी पेरी सोया चाप है, एंड काली मिर्च सोया चाप, चीज़ स्टफ सोया चाप है, KFC सोया चाप है। जैसे आपको पता है कि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करने की। मदर्स डे आ रहा है और मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसी चीज़ खरीदी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये मैंने मंगवाया है ज़ूक से। ये एक्चुअली क्रुएल्टी फ्री है, पीटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी मम्मी वेजिटेरियन है, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको यही चीज़ गिफ्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। ये स्लिंग बैग है जो मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। तो जैसे वो रोज़ शाम को अपने सीनियर सिटीजन ग्रुप में जाती हैं, तो एक छोटा सा बैग जिसमें वो एक अपनी छोटी सी वाटर बॉटल और मोबाइल ले सके, थोड़ा सा कुछ ज़रूरी कैश ले सके अगर उनको चाहिए तो, या कुछ और हैंडकरचीफ वगैरह से छोटी छोटी चीज़ें। इसके अंदर भी एक ज़िपर है और ये बाहर भी एक ज़िपर है, क्योंकि ये हैंडक्राफ्टेड है एंड ज़ूक इज़ अ प्राउडली इंडियन ब्रांड। तो हम इस ब्रांड को सपोर्ट करके अपनी कंट्री के आर्टिजन्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, प्रिंट भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने सेम पीस एक मेरे लिए भी ऑर्डर किया है मदर्स डे पे। तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ज़ूक की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं YTALKA12, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 12% डिस्काउंट। अगर आपको भी ये अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर परचेज कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। विश यू ऑल अ हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। तो नेक्स्ट ये जो मैं ले रही हूँ, दिस इज मसाला सोया चाप। सो मसालेदार तो दिखाई दे रही है, साथ में ये कुछ अनियंस इन्होंने सर्व किए हुए, ये भी थोड़े मसाले वाले ही दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट फ्लेवर ऑफ मसाला, जो रेशमी चाप में मसाले का जो फ्लेवर था, जो टेस्ट था, जो खुशबू थी, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है मसाला सोया चाप। हल्का सा उससे थोड़ा सा स्पाइसी ज्यादा है, और जो साथ में इन्होंने ये अनियंस दिए ना मसाले वाले, उसके साथ में ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा सटल अगर आपको ट्राई करना है, सो यू शुड गो इन फॉर रेशमी सोया चाप। और थोड़ा सा मसालेदार, हल्का सा स्पाइसी चाहिए, सो दिस मसाला सोया चाप इज रियली गुड। हमारे पास वराइटीज ऑफ कुलचाज है, जो की आपको डायरेक्ट तंदूर से आता है गर्मा गर्म, दाल मखनी है, छोले है, और हम इंडियन क्यूजिन भी
भी रखते हैं हमारे पास चाइनीज़ क्यूजिन में, हम बहुत सारे डिफरेंट मसालाज और डिफरेंट फ्लेवर्स यूज़ करते हैं जिससे आपको कुछ डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। स्टार्टर्स में भी इनके पास पनीर की काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, पनीर टिक्का है, पनीर पुदीना टिक्का है जो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है पुदीना वाले फ्लेवर वाला, बट मैंने यहाँ पे लिया है पनीर साटे, तो ये ट्राई करते हैं। द पनीर इज सो फ्रेश, और जब पनीर फ्रेश होता है ना पनीर की किसी चीज में उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सॉफ्ट टू कट है, ये पीनट पाउडर से गार्निश किया हुआ है, और उसकी जो ये सॉस बनाई है ना यूजुअली ड्राई में अवेलेबल होता है, बट यहाँ पे इन्होंने सॉस के साथ सर्व किया है कि सॉस में ना पीनट बटर का टेस्ट आ रहा है, सो लाइक बटरी बट पीनट बटर वाले फ्लेवर वाला। एंड जो पनीर है बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है, तो उसका जो ऊपर का जो कवर है वो क्रिस्प हो गया है, तो सॉस में जाने के बाद और भी अच्छा लग रहा है। आपको सबसे कुछ डिफरेंट यहाँ पे मिलेगा, हमारा थीम है नेचुरल थीम, और हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं जो फूड लवर्स आते हैं वो बाहर बैठने को पसंद करते हैं बिकॉज वी हैव दैट नेचुरल एम्बियंस है, फूल है, पेड़ है, लाइक आपको लगेगा आप एक पहाड़ के बीचों बीच बैठ के कुछ खाना एंजॉय कर रहे हो। तो हम लोग ने मटन चाप खाया जो सबसे बेस्ट लगा, दूसरा अफगानी सोया चाप मिला जो फर्स्ट टाइम था मेरा ये इस सेगमेंट में और काफी अच्छा था वो भी। वेज लवर्स के लिए रोल्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको वही रेशमी सोया चाप या अफगानी सोया चाप रोल, आपको रुमाली रोटी एज अ रोल के जैसे रैप के जैसे आपको पूरा वो मिलेगा एक डिश। द चाप हाउस में कुछ स्पेशल तरह के रोल्स भी मिलते हैं, तो अगर आप रोल्स खाने के शौकीन हो तो आप वो भी खा सकते हो। तो ये जो रोल्स है इनके अंदर सारी अलग अलग फ्लेवर्स की सोया चाप की वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो मैंने जो ऑर्डर किया है दैट इज अफगानी सोया चाप रोल, क्योंकि मैंने इसको सोया चाप में नहीं ट्राई किया, बट आई लाइक अफगानी बिकॉज उसका जो क्रीमी टेस्ट होता है उसकी वजह से। वाओ, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, जो अनियंस का क्रंच है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जो अफगानी सोया चाप है दैट इज अमेजिंग। तो जैसे मुझे रेशमी सोया चाप अच्छी लगी थी वैसे ही मुझे ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, बहुत क्रीमी है, और तंदूर में सिकने के बाद जो अच्छा वाला स्मोकी फ्लेवर आता है ना वो इसमें भी आ रहा है, और इसकी जो साइड्स है ये भी काफ़ी क्रिस्प हो गए, एकदम अच्छे से सिक गए हैं। सो रुमाली रोटी बना के और उसके अंदर ये अफगानी सोया चाप डाली हुई है, और चाप को जब तंदूर में सेकते हैं ना तो साथ में ही अनियन और कैप्सिकम भी सेका हुआ है, तो वो उसका जो क्रंच आ रहा है अनियन का वो स्मोकी फ्लेवर वाला बाइट भी दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तीनों चाप जो मैंने अब तक खाई है ना सबसे अच्छी मुझे लगी है रेशमी चाप, और उसके बाद ये अफगानी सोया चाप बहुत ही बढ़िया है, मीडियम स्पाइसी है उससे हल्का सा कम, क्योंकि ये क्रीम बेस्ड होती है, जो मसाला सोया चाप है थोड़ी सी मेरे पैलेट के हिसाब से हल्की सी स्पाइसी है, बट द टेस्ट इज गुड। सो अगर आप स्पाइस लवर हो तो देन मसाला सोया चाप, अदरवाइज दीज अदर टू फ्लेवर्स। सो हमारा टाइमिंग है आफ्टरनून, लंच भी हम सर्व करते हैं प्रॉपर, तो आप 12 से 4 बजे तक आ सकते हैं, और इवनिंग 6 to 11:30। द चाप हाउस में काफ़ी अलग अलग वैरायटी ऑफ कुलचाज भी अवेलेबल है, आलू कुलचा है, पनीर कुलचा है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आलू अनियन कुलचा, और इसके साथ में इन्होंने क्या सर्व किया है, सो दाल मखनी है, क्रीम से गार्निश किए से यूजुअली होती है, देर आर स्लाइसेस ऑफ अनियन अलॉन्ग विथ सम हरा धनिया एंड चिली पाउडर भी स्प्रिंकल किया हुआ है, सो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस कुलचा। तो आलू अनियन कुलचा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है मुझे, एक तो मुझे आलू वाली सारी चीज़ें पसंद होती है, तो बटाटा वड़ा हो, आलू पराठा हो, चाहे कुछ भी हो, ऊपर से कुलचा में, वाओ, सो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। सटल टेस्ट है दाल मखनी का, कंसिस्टेंसी थिक है, क्रीमी भी है, जो कुलचा है ना ये बहुत ही बढ़िया है, वार्म है एक्चुअली, तो और भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, आलू में जो मसाला डाला हुआ है, अनियन का क्रंच आ रहा है, दे पुट लॉट्स ऑफ हरा धनिया जिसकी वजह से खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी। एक और तरह की चाप मैंने यहाँ पे ऑर्डर की है जो काफी डिफरेंट लग रही थी मुझे यहाँ पे, उसे दिखाती हूँ। जो डिफरेंट तरह की सोया चाप मैंने यहाँ पे पहली बार देखी और सुनी है वो ये है, दिस इज KFC सोया चाप। सो आई बिलीव जैसे KFC में हम जाके जो क्रंची वाला चिकन खाते हैं ये वैसे ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ऊपर जो कॉर्नफ्लेक्स वाला लुक होता है, खा के देखते हैं कि कैसा है। ओ वाओ, कोई नहीं बोल सकता कि ये KFC वाला चिकन नहीं है, दो सोया चाप इज अ वेजिटेरियन डिश, बट क्या ही टक्कर दे रहा है ये नॉन वेज को, इसके साथ जो डिप भी है ना ये भी काफी अलग दिखाई दे रहा है। तो डिप तो दही के बेस से बना हुआ है, बट जो पाउडर्ड मसाला उसके अंदर डाला है ना काफी अलग है ये, और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस वेज KFC सोया चाप को। हाँ बिल्कुल, ये वेज ही है, नॉन वेज नहीं है, बस रिजेम्बल करता है KFC के नॉन वेज चीजों को, ऊपर का जो कवर है
ये एकदम क्रिस्प है और पूरा जब हम बाइट करते हैं बहुत ही क्रंची लगता है, बिकॉज ये जो कॉर्नफ्लेक्स वाली चीज़ें हम डालते हैं ना जो KFC के आइटम्स बनाते हैं उसमें, सो वही चीज़ें इन्होंने यूज़ की हुई है। सो अगर आप KFC के खाने के फैन हो, दिस स्टार्टर इज नॉट टू बी मिस्ड बाय यू। तो चाप हाउस में चाप खाने में तो बड़ा मज़ा आया, बट यहाँ पे मेन्यू में ना ये चाइनीज में भी बहुत सारे आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। देर आर मेनी सूप्स जो यूजुअली हम खाते हैं, मंचाओ, हॉट एंड सार वगैरह। राइस है जो बेसिक राइस होते हैं ना चाइनीज में, वेज फ्राइड राइस, शेजवान ट्रिपल राइस, नूडल्स है, तो मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है वेज पॉट राइस। चलिए इसे देखते हैं कैसा है। वाओ, इतनी बढ़िया ये ग्रेवी है, हल्की सी टैंगी है और इसमें वेजीज डाले हुए हैं ना, पेपर्स है, ब्रोकली है, जुकिनी है, एकदम एकदम फ्रेश है और काफ़ी क्रंची लग रहे हैं। और जो इतना गरम गरम खाया ना तो बस मज़ा ही आ गया। एक्चुअली जब मैं चाइनीज़ फूड खाती हूँ ना, स्पेशली अगर मैं राइस खाती हूँ, तो इस तरह का जो राइस होता है ना जिसमें सेपरेटली राइस दिया जाता है, ग्रेवी अलग से बना के हम ऊपर डाल के खाते हैं ना, तो वैसे वाले डिशेस मुझे बहुत पसंद है। एंड वेज पॉट राइस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, वाला भी काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ चाइनीज़ तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी सारी वेज एंड नॉन वेज डिशेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं अपना ये खाना एंजॉय करती हूँ। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें अपने फैमिली को बहुत जल्द 25,000 सब्स तक पहुँचाना है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो। Thank you.